फिल्म को लेकर क्या कहेंगे आप, एक नया दृष्टिकोण आपका भी बना है? तो हिंदुत्व हिंदू को समझने के लिए जो इस मूवी में जो विचार के रूप में प्रदर्शित किया गया है, अखंड भारत की जो बात की गई है, शायद ये बहुत ही दुर्लभ है। सावरकर की जो फिल्म है कैसी लगी आपको? क्या फिल्म नहीं, एक डॉक्यूमेंट्री है। कांग्रेस ने कोशिश की है कि वीर सावरकर का जो योगदान है उसको कहीं कमतर आंका गया। पर्टिकुलरली कांग्रेस सावरकर जी का हर बात बात पे, हर टाइम टू टाइम वो मजाक उड़ाते गए हैं। नए भारत का निर्माण जाति विहीन समाज के रूप में कैसे कर सकते हैं? जाति प्रथा हमारे देश का सबसे बड़ा एक कलंक है। राहुल गांधी ने उनको माफी वीर कहा है। किसी पार्टी के लोग है जिन्होंने उस सच्चाई को छुपाया है। वीर सावरकर को लेकर एक नया दृष्टिकोण क्या सामने आया? कांग्रेस पार्टी ने जो एक हमारा जो सच्चा इतिहास हमेशा छुपाने की कोशिश की। ये फिल्म क्या नई रोशनी देगी? जो हमारे रियल हीरोज थे उनको या तो फांसी दी जा रही थी या फिर काले पानी की सजा बुल रही थी। जाति पर ही पूरी राजनीति टिक रही है। कि जो युवा पीढ़ी है या फिर जो हमारे मतदाता है वो चुनाव में जातिगत समीकरण को छोड़ के मुद्दों पे वोट करें। नए भारत को अगर आपको समझना है तो वीर सावरकर के विचारों को प्रमुखता देनी होगी, उसको लागू करना। कि अगर कोई क्रांतिकारी चाहे एक दिन संघर्ष किया हो चाहे 10 साल किया हो, तो जाति का बंधन टूटे। लेकिन जहां तक बात रही अगर जातिवाद को लेकर के, तो हमें लगता है कि गांधी से बेटर ओपिनियन सावरकर का था। नमस्कार, मैं हूँ नरेश वत्स। स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर की फिल्म दिखाई जा रही है सिनेमाघरों में। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने इस फिल्म को देखा है, उनसे बात करते हैं। एक सवाल, विनायक दामोदर सावरकर की जो फिल्म है कैसी लगी आपको? मुझे यह फिल्म बहुत अच्छी लगी, और फिल्म को कहे तो एक मायने में यह फिल्म नहीं, एक डॉक्यूमेंट्री है। जो वीर सावरकर के जो जीवन है, उनकी जो एक स्टोरी है वो हमारे सामने लाती है। जैसे कि हम लोग अपने स्कूल के सिलेबस में स्वतंत्रता 1857 की क्रांति की कहानियां पढ़ते हैं, और मैं NCERT में भी उन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया कि ये जो 1857 की क्रांति है इसको पहली बार स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था। ये तो मुझे जब लूसेंट हम लोगों ने बाद में पढ़ी और UPSC की तैयारी करने लगे तो उस दौरान हमें पता चला कि इस चीज़ को फिर पता करने के लिए कि 1857 की जो क्रांति थी वो स्वतंत्रता संग्राम थी, वो लंदन गए, लंदन से उन्होंने जो किताब लिखी थी उन्होंने ब्रिटिश सरकार ने वहाँ पे बैन कर दी थी, और इंडिया में वो किताबें बहुत मुश्किल से 1918 के आसपास वो यहाँ पे अवेलेबल हो पाई थी। तो जो चीज़ें हैं, जिस तरह से सरकार हमेशा से जो क्रांतिकारी होते हैं, सरकार कोई भी हो, वो हमेशा से उनको छुपा करके रखती है, उनके जीवन को सामने नहीं आना देना कर रखती है। एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या विनायक सावरकर को उनके योगदान को छुपाने की कोशिश की है? ये जो विनायक सावरकर की बायोपिक फिल्म है इस पे कहीं ना कहीं एक सच जो है उसको सामने लाने की कोशिश है। एक सवाल ये, जैसा कहा गया है कि इतिहास में बताया नहीं गया है, जो सत्ता में रहे और सीधा जिस तरह से फिल्म में दिखाया है कि कांग्रेस ने कोशिश की है कि वीर सावरकर का जो योगदान है उसको कहीं कमतर आंका गया है। देखिए, बात सही है। हम देखते हैं जब वीर सावरकर जी का जो इतिहास अभी दिखाया गया है, मैं लिख के दे सकता हूँ कि 70-80% जो अभी विद्यार्थी आए थे उनको उतना भी नहीं पता होगा जितना उन्हें आज मूवी देखने के बाद पता लगा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें बचपन से नहीं पढ़ाई गई है, ये कहीं ना कहीं हमारे करिकुलम में नहीं है। कुछ पर्टिकुलर हीरोज़ को ही हाईलाइट करा गया, जो कि गलत भी नहीं है, बट ये गलत है, ये एक अन्याय है हमारे हीरो, जिसे मैं कहूँगा वीर सावरकर जी के साथ, जिन्होंने काला पानी की सज़ा झेली, जो उनके साथ अत्याचार हुए, बट उस चीज़ को इतना हाईलाइट ही नहीं कराया, उस चीज़ को कभी लाइमलाइट में कभी उस चीज़ को हमारे सामने आने ही नहीं दिया गया। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे आज की डेट में भी, अभी चुनाव भी आ रहे हैं, चुनाव भी चल रहे हैं, तो अपोजिशन पार्टी, अगर मैं कहूँ पर्टिकुलरली कांग्रेस, सावरकर जी का हर बात बात पे, हर टाइम टू टाइम वो मजाक उड़ाते गए हैं कि सावरकर जी ये थे वो थे, जो भी उन्होंने वर्ड्स यूज़ करे हैं, बीट बड़े जो नेता है, जो भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता है उन्होंने जो वर्ड्स यूज़ करे। राहुल गांधी ने उनको माफी वीर कहा है। जी, अब वो तो सबके सामने है, एविडेंट है, सबको पता है कि किसने क्या कहा है, बट सच्चाई छुपाने वाले भी यही है, इन्हीं के पूर्वज है, इसी पार्टी के लोग हैं जिन्होंने उस सच्चाई को छुपाया है, वो चीज़ ज़रा वो बड़े नेता वो भी बता दे तो बढ़िया रहता।
सच्चाई को छुपाया है, लेकिन भारत को लेकर, वीर सावरकर को लेकर एक नया दृष्टिकोण क्या सामने आया है? नमस्कार जी, मैं प्रियम शर्मा, सेक्रेटरी लॉ फैकल्टी दिल्ली विश्वविद्यालय से। आज का जो ये दिन था जब हमें जो सावरकर जी की जो जीवनी के बारे में मूवी, जिसकी हमने फ्री स्क्रीनिंग जो आज करवाई, ये बहुत ही सौभाग्यपूर्वक जो दिन था हमारे लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो एक हमारा जो सच्चा इतिहास हमेशा छुपाने की कोशिश की, एक दबाव डालने की कोशिश की, हमारे जो असली हीरोज थे उन्हें हमसे छुपाया गया, ये मैं मानता हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप माफ़ी की बात करते हैं, ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने बात बात पर सुप्रीम कोर्ट में जब भी सरकार के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ जब भी झूठा प्रचार किया तो बात बात पे इन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी। आज का जो दिन है, मैं मानता हूँ कि लॉ फैकल्टी दिल्ली विश्वविद्यालय के जितने भी छात्र यहाँ आए, सबको कुछ ना कुछ नया और सबको कुछ ना कुछ अद्भुत जो है सीखने को मिला। हमें ये अज्ञात रहना चाहिए कि ज्ञान हमारे लिए जो है कितना ज़रूरी है। कुछ ऐसे क्षण जो हैं आज हमने इस मूवी के माध्यम से देखे जिनके बारे में कभी हमने विचार नहीं किया, जिससे हम बिल्कुल ही अज्ञात थे। तो मैं यही निवेदन भी करना चाहूँगा, सभी निवेदन भी करना। एक सवाल आपसे भी मैं पूछूंगा कि कांग्रेस को काल से जो जुड़े हुए स्वतंत्रता सेनानी थे उनको काले पानी की सजा नहीं हुई, कहने का अर्थ यह कि जितनी कड़ी सजा, अमानवीय व्यवहार जो सजा मिली वो सावरकर को मिली, लेकिन उसके बाद भी उनको कमतर आंका गया है, ये फिल्म क्या नई रोशनी देगी क्या उनके बारे में? नमस्कार सभी को, मैं हिमांशु पाराशर, लॉ सेंटर 1 का छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय से। जिन जो अभी सर ने सवाल पूछा, मैं उसमें यही बताना चाहूँगा कि है ना, जो सर कह रहे हैं कि ये जो फिल्म में दिखाया गया कि सावरकर जी को ही मात्र सजा मिली है और जितने भी कांग्रेस के उच्च नेता थे और ये सब कर रहे थे, मतलब कि वो एक तरह से अंग्रेज़ों के पिट्ठू बन जाते हैं ना, पिट्ठू बन चुके थे, इसी कारण से उनको है ना सज़ा नहीं मिल रही थी। अगर सज़ा मिल रही है तो बहुत अल्पकाल के लिए मिल रही है, छोटी मोटी जेल में किसी में डाल दिया, थोड़े समय के लिए फिर निकाल लिया, ये सब हो रहा था। लेकिन जो हमारे रियल हीरोज़ थे उनको या तो फांसी दी जा रही थी या फिर काले पानी की सज़ा मिल रही थी। धन्यवाद। सज़ा मिल रही थी। एक सवाल जो इस फिल्म से देख के लगा कि जाति प्रथा के तोड़ने के लिए वीर सावरकर जैसा कोई भी स्वतंत्रता सेनानी अभी तक सामने नहीं है, आज भी नए भारत में इस पर चोट करने की आवश्यकता है। एक युवा होने के नाते कैसे देखते हैं कि हम नए भारत का निर्माण जाति विहीन समाज के रूप में कैसे कर सकते हैं? जैसा कि हमने मूवीज़ में भी देखा और इससे पहले ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि जाति प्रथा हमारे देश का सबसे बड़ा एक कलंक है, तो इसको ख़त्म करने के लिए जिस तरह से हमारे जो वीर स्वतंत्रता संग्राम के जो रहे हैं तो उन्होंने कई चीज़ें बताई थी, जिसमें कि इंटरकास्ट मैरिज एक प्रमुख स्थान था। इंडिया में आज भी जो मैरिज होती है उसका मैट्रिमोनियल आप साइट भी देखें तो वहाँ वो कास्ट आधारित हो गया है, तो ये एक चीज़ है कि लोग अगर इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, साथ में भोजन करते हैं और इस तरह से धीरे धीरे समाज में बदलाव आएंगे तो ये चीज़ें कम हो सकती है। और कास्ट सिस्टम से हमारे समाज में हमारा जो एक भारत की एक एकता जो है वो कम होती है, जिससे कि जो अखंड भारत का जो हमारा एक सपना है वो पूरा होने में बहुत ही बाधा है। तो हमें कास्ट सिस्टम को हमेशा से दूर करना चाहिए, समाज एक जो समाज है वो समरस होना चाहिए, सभी लोग को साथ मिलकर आगे आना चाहिए, समाज समरस होना चाहिए। लेकिन एक सवाल ये भी हो रहा है कि जातीय जनगणना, और अब तो बड़े जो पद हैं उस पर भी सवाल उठ रहा है कि कितनी नीची जाति के हैं और कितनी ऊंची जाति के, जाति सबकी एक है। मैं ये आपसे सवाल जानना चाहता हूँ कि भारत का नव निर्माण, आज जिस तरह से ये फिल्म आपने देखी है, बायोपिक फिल्म जो वीर सावरकर की, एक जाति विहीन समाज की बात करती है, लेकिन हम राजनीतिक गलियारों में देख रहे हैं कि जाति पर ही पूरी राजनीति टिक रही है। नमस्ते सर। सर, जाति जहाँ तक जाति की सवाल है तो जैसे मूवी में दिखाया गया कि जो जाति है, अगर हम सब इंटरकास्ट मैरिज के बारे में बात किया सावरकर जी ने कि अगर इंटरकास्ट मैरिज होगी तो चार पीढ़ियों में सारे लोग भूल जाएंगे कि कौन से लोग कौन सी जाति के थे, तो अगर ये वाले स्टेप अगर हम पीढ़ी के, युवा पीढ़ी के लोग लेते हैं तो ऐसा पॉसिबल है जो समाज में दिखता है। लेकिन जैसा कि बिहार में सबसे पहले जातिगत जनगणना की शुरुआत करने की हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुरुआत करी है, उसका असर राजनीति में अभी दिख रहा है। उनका मेन मोटिव है वोट बैंक की राजनीति करना, जिसमें
अभी मैं जातियों की नाम नहीं ले सकती, तो उनका जो मोटिव है, जो नेतागण है, तो हमारी राजनीति उस तरफ शिफ्ट हो गई है। उसका एक उपाय है कि जो युवा पीढ़ी है या फिर जो हमारे मतदाता है, वो चुनाव में जातिगत समीकरण को छोड़ के मुद्दों पे वोट करें, तभी ये जातिगत चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो पाएंगी। मुद्दों पर वोट करें, और सबसे बड़ी बात है कि नई नई जो जानकारी है, जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनके बारे में सही जानकारी सामने आए। हमारे साथ कुछ दूसरे छात्र हैं, हम उनसे भी कोशिश करेंगे, आपसे बात करेंगे। जी बताइए, क्या नाम आपका, क्या करते हैं आप बोलना नहीं चाहेंगे? जी प्रोफेसर साहब से ही मैं जानना चाहता हूँ, फिल्म को लेकर क्या कहेंगे आप, एक नया दृष्टिकोण आपका भी बना है। माई सेल्फ डॉक्टर कृष्ण मुरारी यादव, फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी। जैसा कि आप बोल रहे हैं, तो मैं भी वैसे हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं बहुत डीप में इस चीज़ को पढ़ा हूँ, कई सालों तक कंपटीशन दिया हूँ। इस मूवी को देखने के बाद बहुत सारे नए एस्पेक्ट आए हुए हैं, खासतौर से जो रिलेशन रहा है, जैसे कि हमने अभी तक जो वीर सावरकर जी को हमने एक सेपरेट करके पढ़ने का प्रयास किया था, इस मूवी में जैसे हमने उनका रिलेशन देखा कि अम्बेडकर के साथ क्या रिलेशन है, फिर उनके जो विचार हैं, जैसे हम लोगों ने कई बार ये स्टेटमेंट देने का प्रयास किया कि वो माफ़ी वीर का करके लोग अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस मूवी को देखने के बाद एटलीस्ट उनके जेल से बाहर निकलने का क्या पॉइंट था, निकलने के बाद उन्होंने क्या मूवमेंट चलाया, और देश की जो बात कहते हैं कि हिंदुत्व क्या है, हिंदू क्या है, तो हिंदुत्व तो हिंदू को समझने के लिए जो इस मूवी में जो विचार के रूप में प्रदर्शित किया गया है, अखंड भारत की जो बात की गई है, शायद ये बहुत ही दुर्लभ है। इससे पहले मैंने हिंदुत्व तो के मीनिंग को लेकर के इतना क्लियरिटी कभी नहीं देखा था। उन्होंने इस मूवी में ये बताने का प्रयास किया है कि संस्कृति और सभ्यता में अंतर क्या है। वो लोग कहते थे, एक समय हुआ करता था जो लोग कहते थे कि नहीं आप विदेश चले जाएंगे तो हमारा भाषा धर्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, संस्कृति सभ्यता नष्ट हो जाएगा। वो बताते हैं कि संस्कृति हमारे हार्ट में है, सभ्यता हमारे हैंड में है। इसका मतलब ये है कि हम कहीं भी चले जाएं, अपने वेशभूषा पहनावे को लेकर के, अपने सभ्यता को लेकर के, अपने विचार को लेकर के हमें त्यागने की जरूरत नहीं, वह संस्कृति का हिस्सा है। सभ्यता का हो सकता है कि अगर हम जिस देश में जाएं उसके हिसाब से उठना बैठना खाना पीना, ये सभ्यता का हो सकता है। तो इस मूवी में यही है कि आप अपनी संस्कृति मत छोड़िए, हाँ दूसरे की सभ्यता है, सभ्यता को आप समय और परिस्थितियों के हिसाब से बदलते रहिए, उसमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये बात मुझे जो हिंदुत्व को लेकर के है, फिर सभ्यता संस्कृति के विचारों को लेकर के है, फिर उन्होंने एक बात जो बार बार कहने के प्रयास किए हैं, जैसे नेहरू, जैसे गांधी के साथ उनके विचार पर कंट्रोवर्सी हो रही है कि हरिजन को लेकर के जब आते हैं कि हरिजन के कोई पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या कहना है, तो बताते हैं कि नहीं ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए, हमें वो सामाजिक लड़ाई भी लड़ते हैं, और ये बताने का प्रयास करते हैं कि मंदिर मस्जिद, जो मंदिर का जो खास तौर से इसमें कॉन्सेप्ट है, वह सबके लिए है। वह मंदिर का जो ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग प्रयास करते हैं कि बताने का प्रयास करते हैं कि जब हम हिंदुत्व की बात करते हैं सिर्फ ब्राह्मणों की बात करते हैं, नहीं, ये इस बात का सबसे मतलब माकूल जवाब देने का प्रयास करते हैं कि हिंदू का मतलब ब्राह्मणवाद नहीं है। वो कहते हैं कि अगर जो मंदिर अगर सबको अलाउ नहीं करता है, वो मंदिर हो ही नहीं सकता। इसी बात को लेकर के उन्होंने सबके लिए एक मंदिर की स्थापना किया, कहा कि इस मंदिर में चाहे एससी हो, एसटी हो, दलित हो, मतलब हर सबके लिए दरवाजे खुले हैं। तो उन्होंने जो मंदिर के बारे में कहा, हिंदुत्व के बारे में कहा, संस्कृत सभ्यता के बारे में कहा, फिर उनका एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि 1942 के आंदोलन को लेकर के जब भारत छोड़ो आंदोलन चलता है तो उसमें एक एलिगेशन लगाया जाता है इनके ऊपर कि नहीं ये हमेशा से अंग्रेज़ों का साथ दिए। तो इसमें हमें पहली बार समझ में आया कि अंग्रेज़ों को जब कहते हैं कि नहीं अंग्रेज़ों की सेना में आप क्यों भर्ती हूँ, तो उनके दो पॉइंट हमें इसमें बहुत ही क्लियरिटी था, इसलिए मैं कहूँ, अगर कहें आप तो बता दूँ, टाइम है नहीं तो फिर तो बताएं कि रहने दें, कुछ पूछ लीजिए। मैं एक सवाल आपसे ये पूछता हूँ कि ये जो नया दृष्टिकोण है, हमने फिल्मों पर देखा, एक बहस है वो चलती रहेगी, लेकिन नए भारत को अगर आपको समझना है तो वीर सावरकर के विचारों को प्रमुखता देनी होगी, उसको लागू करना। देखिए, जहाँ तक रही बात, हम किसी के यहाँ भारत में प्रमुखता की बात नहीं हम करेंगे, हम कहेंगे कि इस देश में हमारा हमेशा से मानना है कि अगर कोई क्रांतिकारी चाहे एक दिन संघर्ष किया हो, चाहे 10 साल किया हो, प्रमुखता की बात मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो जाति को लेकर जो वीर सावरकर जी के विचार है, मैं उसको व्यक्तिगत रूप से बहुत सही मानता हूँ, जाति का बंधन टूटे। अगर आप अगर इस बात को लेकर ये कहें कि हाँ मतलब वीर सावरकर के अब जो इस पॉइंट के व्यू पर क्या है, क्योंकि देखिए हम हमेशा मानते हैं कि अगर अरबों की आबादी या करोड़ों की आबादी है तो विचार अलग अलग हो सकते हैं,
लेकिन जहाँ तक बात रही अगर जातिवाद को लेकर के, तो हमें लगता है कि गांधी से बेटर ओपिनियन सावरकर का था, क्योंकि गांधी जी ने जब मुद्दा इस बात को उठाया तो उन्होंने एक हरिजन नाम दिया। अब क्यों नाम देंगे आप? आप किसी भी आदमी को क्यों नाम देंगे हरिजन है, ये है वो? अब बोलिए ना कि एवरीवन इज इक्वल, अब बोलिए कि हिंदू है। अगर जो मंदिर मस्जिद अगर इस तरह का अन्याय करता है, गलत करता है, हम नहीं मानेंगे। इसी बात को लेकर के बोला ना कि आप हरिजन का नाम क्यों दे रहे हैं। इसी बात के खिलाफ उन्होंने जाकर कहा कि अगर जिस मंदिर में अगर हरिजन जो दलित आदमी है या जो पिछड़ा आदमी है, मतलब सामाजिक आर्थिक रूप से, अगर उसकी एंट्री नहीं तो उस मंदिर को मैं मानता ही नहीं। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि उस मंदिर को नहीं मानता, उन्होंने दूसरा मंदिर बना दिया। तो इस मामले में अगर आप कहें कि इनके विचारों की क्या अहमियत है, तो हम ये बताना चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में इस बात को पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए कि हिंदुत्व तो एक वर्ग, एक क्लास, एक ब्राह्मणवाद जैसा कुछ चीज़ नहीं है। यह सबको समाहित समाज में सबको समाहित करके चलता है। यह एक्सक्लूसिवनेस इंक्लूसिवनेस की बात करता है, इसकी बात मैं करता हूँ। बहुत बहुत सही कहा आपने कि हिंदुत्व को हमें एक व्यापक दृष्टिकोण से देखना है, और जो अब धीरे धीरे लोग इस बात को समझ भी रहे हैं कि जाति से हिंदू नहीं है, ब्राह्मण से हिंदू नहीं है, लेकिन अगर नए भारत में आगे आपको बढ़ना है तो हमें एक समग्र सोच को लेकर आगे जाना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ। फिल्म को लेकर क्या कहेंगे आप, एक नया दृष्टिकोण आपका भी बना है? तो हिंदू तो हिंदू को समझने के लिए जो इस मूवी में जो विचार के रूप में प्रदर्शित किया गया है, अखंड भारत की जो बात की गई है, शायद ये बहुत ही दुर्लभ है। सावरकर की जो फिल्म है कैसी लगी आपको? क्या फिल्म नहीं, एक डॉक्यूमेंट्री है। कांग्रेस ने कोशिश की है कि वीर सावरकर का जो योगदान है उसको कहीं कमतर आंका गया। पर्टिकुलरली कांग्रेस सावरकर जी का हर बात बात पे, हर टाइम टू टाइम वो मजाक उड़ाते गए हैं। नए भारत का निर्माण जाति विहीन समाज के रूप में कैसे कर सकते हैं? जाति प्रथा हमारे देश का सबसे बड़ा एक कलंक है। राहुल गांधी ने उनको माफी वीर कहा है। किसी पार्टी के लोग हैं जिन्होंने उस सच्चाई को छुपाया है। वीर सावरकर को लेकर एक नया दृष्टिकोण क्या सामने आया? कांग्रेस पार्टी ने जो एक हमारा जो सच्चा इतिहास हमेशा छुपाने की कोशिश की। ये फिल्म क्या नई रोशनी देगी? जो हमारे रियल हीरोज थे उनको या तो फांसी दी जा रही थी या फिर काले पानी की सजा बुल रही थी। जाति पर ही पूरी राजनीति टिक रही है। कि जो युवा पीढ़ी है या फिर जो हमारे मतदाता है, वो चुनाव में जातिगत समीकरण को छोड़ के मुद्दों पे वोट करे। नए भारत को अगर आपको समझना है तो वीर सावरकर के विचारों को प्रमुखता देनी होगी, उसको लागू करना। अगर कोई क्रांतिकारी चाहे एक दिन संघर्ष किया हो, चाहे 10 साल किया हो, जाति का बंधन टूटे। लेकिन जहाँ तक बात रही अगर जातिवाद को लेकर के, तो हमें लगता है कि गांधी से बेटर ओपिनियन सावरकर का था।